जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप जुड़ चुके हैं कश्मीर ट्राइब्यून के साथ। मैं हूं एजाज कोहली और मेरे साथ आज नौजवान लीडर अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, रकीक खान साहब जुड़ चुके हैं जो मेंढर से ताल्लुक रखते हैं। और आज मेंढर के अंदर अपनी पार्टी ने एक मीटिंग कॉल दी जिसमें काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। हम जानना चाहेंगे कि वो अपने इस इलाके में आकर क्या फील कर रहे हैं और अपनी पार्टी का क्या मंशूर है। रकीक साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम। देखिए, हमारा मंशूर, एक तो शुक्रिया आपका, हमारा मंशूर तो बिल्कुल साफ है। 8 मार्च 2020 को जिस दिन हमारी पार्टी बनी थी उस दिन भी हमने कहा था कि हमारी पहली डिमांड है रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। जो हमारी गुजर पहाड़ी डोगरा और कश्मीरी की पगड़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उतारने का काम किया था, जो इस जालिम बीजेपी की सरकार ने हमसे छीन ली, हमने कहा कि उसको जल्द बहाल करने का काम किया जाए। दूसरा, हमने तब भी कहा था और आज भी हम वही बात कह रहे हैं कि हमने कहा था कि हम 40% नौजवानों को जम्मू कश्मीर की राजनीति में हिस्सा देंगे। तीसरी बात हमने कही थी कि जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव करवाया जाए। चौथी बात हमने कही थी जो आज में हमारे मैनिफेस्टो के अंदर है, जो हमारी बेवाएं हैं जिन्हें पेंशन मिलती है, हमने अपनी मैनिफेस्टो में, पार्टी मैनिफेस्टो में एक चीज ऐड की है कि उनको पेंशन जो है वो 1000 रुपये महीना मिल रही है। अगर हम लोग सरकार में आते हैं, हमारी पार्टी पावर में आती है, तो हम उन्हें 5000 रुपये पेंशन देंगे। दूसरा, हमने LPG सिलेंडर के मुद्दे पर बात की थी। हमने कहा कि हम साल में BPL के लोगों को, आम लोगों को 6 LPG गैस सिलेंडर जो है रीफिल करा के उनको देने का काम करेंगे। साथ में हमने कहा था कि 1,10,000 पोस्टें जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर खाली हुई हैं, जिसमें अजाज कोहली साहब का कोई चाचे का बेटा या ताया या मामा या फूफा जिन पोस्टों से रिटायर्ड हो गया है, वहां पे एक कॉमन नौजवान जो है उस पोस्ट को भरने का काम करेगा। हम LG साहब को कहते हैं, आपने तो कहा कि हम समुद्र की नहरें यहां बहा देंगे, हम दूध की नदियां चला देंगे, आपने तो एडवर्टाइजमेंट के नाम पर बहुत सारी चीजें की, लेकिन आप जब जमीनी सतह पे आएंगे, जमीन की हकीकत को देखेंगे, तो आपको हकीकत मुख्तलिफ दिखेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो आपके पास, हम कोई नई चीज नहीं मांग रहे कि आपने हमें कोई नई चीज देनी है, आपके पास फाइनेंस नहीं है, आपके पास दूसरी। हमने कहा जो 1,10,000 लोग जो हमारे रिटायर्ड हो गए हैं, आप उन्हीं की जगह पहले जो 1,10,000 पोस्टें जो 48 डिपार्टमेंट है, जो 36 डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, 10 गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, अब तो सारे के 48 डिपार्टमेंट ड्यूटी चलाती है, उन डिपार्टमेंट को भरने का, वो डिपार्टमेंट के अंदर जितनी खाली पोस्ट है उनको भरने का काम किया। अपनी पार्टी का मंशूर मेंढर में रकीक खान कितना जल्द लोगों तक पहुंचाने में कामयाब होंगे? देखिए, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी मेंढर के अंदर बहुत मजबूती के साथ खड़ी है, ताकत के साथ भी खड़ी है, और बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बहुत जल्दी हमारी तंजीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लेकिन हमारे पार्टी प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी चाहते थे कि हम पहले अपने उस आम कार्यकर्ता के साथ बात करें, उस मोहल्ले के नौजवान के साथ बात करें, उस गांव में दूर बैठे शख्स के साथ बात करें जिसने 8 मार्च 2020 के बाद पार्टी का झंडा उठाने का काम किया है, और मुश्किलात के दौर में वो पार्टी के साथ जब इस कयादत को, इस पार्टी के मैनिफेस्टो को, इस सोच को आगे ले जाने का काम करना था, तो उस वो सारी चीजें जो है उसी तरह से हुई। और आने वाले दिनों में पार्टी प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी साहब और पार्टी की इंटायर लीडरशिप मेंढर आ रही है, आपको एक बड़ा चमत्कार दिखेगा। मैं आपके माध्यम से नाम, बिना आपको नाम बताए, 17 से 18 सरपंच जो है वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के टच में है, वो ज्वाइन करने जा रहे हैं मेंढर से। मैं मेंढर के तीनों ब्लॉकों की, मेंढर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की बात कर रहा हूं, 3 से 4 पॉलिटिकल बड़े एक्टिविस्ट हमारे साथ आने को तैयार हैं। उनकी कुछ शर्तें हैं, कंडीशनें हैं, हम किसी की शर्त मानते नहीं हैं, बल्कि उसको बताते हैं जो हमारी सोच के साथ खड़ा होगा, जो इस पार्टी के सिपाही बनकर काम करेगा, वो आ जाए, उसका वेलकम है। 4 बड़े चेहरे आने की तैयारी में हैं, उनके साथ हमारी लगातार मीटिंग्स हुई हैं, पार्टी प्रेसिडेंट से भी वो लोग मिल चुके हैं। मैं आपको नाम एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन जिस दिन अप्रैल के अंदर अल्ताफ बुखारी जी का कार्यक्रम यहाँ होगा, आप भीड़ भी देखेंगे, आप जुनून भी देखेंगे और ताकत भी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रकीक खान साहब जिन्होंने बेबाकी से ये बात कही कि अपनी पार्टी मेंढर के अंदर क्या कितना एक पीर पंचाल के अंदर है जो काफी मजबूती से आगे बढ़ रही है, और उन्होंने बिना नाम बताए इस बात का ऐलान कर दिया कि मेंढर से 10 से 20 सरपंच हैं जो अपनी पार्टी के टच में हैं और बड़े
सोशल एक्टिविस्ट और बड़े नेता हैं जो अपनी पार्टी का दामन थामने के लिए तैयार है। जिनाजिन किसी और रिपोर्ट के साथ मैं फिर हाजिर होता हूं, तब तक के लिए अपने मेजबान एजाज कोहली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।